गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया हेडिंग आप देख सकते हैं, एक्सेप्शन टू द रूल ऑन एक्सटेंशंस टू हेड्स ऑफ सीबीआई और ईडी। तो सीबीआई और जो ईडी का मतलब होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो इनके जो हेड्स है उनको उनके जो कार्यकाल में है उनको वृद्धि मतलब उसमें उनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है, जो कि एक थोड़ा सा रूल के अगेंस्ट भी है। तो काफ़ी सारी बातें कही गई है कि जो गवर्नमेंट है वो फेवर कर रही है इन हेड्स को, जो इनके संचालक हैं निदेशक हैं इनको वो फेवर कर रही है। तो काफ़ी सारी बातें कही गई है, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ज़रूर करके आप पढ़िएगा इसे। पहला जो वर्ड है पहले एडिटोरियल से वो दिया गया है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है किसी भी जो कोई संस्था होती है उसका अपना स्वयं निर्णय लेने की शक्ति, स्वयं शासन। जैसे यूपीएससी एक बॉडी है जो काफ़ी अपने सारे निर्णय स्वयं लेती है, तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कोई बॉडी जो कि अपने आप स्वचालित हो, स्वशासित हो, उसे बोला जाता है, उस पावर को बोला जाएगा ऑटोनॉमी। द राइट ऑफ अ पर्सन एन ऑर्गेनाइजेशन अ रीजन एक्सेट्रा टू गवर्न और कंट्रोल हिज हर और इट्स ओन अफेयर्स इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी और सोवंटी। एंटोनिम्स है डिपेंडेंस, कैप्टिविटी, कॉन्स्टेंट और माफ कीजिएगा एनसेलमेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, टीनेजर्स शुड हैव द ऑटोनॉमी टू मेक देयर ओन डिसीजंस इन प्रिपरेशन फॉर देयर लाइव्स एज अडल्ट्स। कि टीनेजर्स किशोर अवस्था की बात हो रही है, कि किशोरों को अपने जो डिसीजंस है वो खुद होने की थोड़ी स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रिपरेशन हो जाएगा उनका अडल्ट होने के लिए। तो उन्हें कुछ एक डिसीजंस जो है वो खुद लेने देने चाहिए। अगला हमारा शब्द है डिक्टम। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिक्टम का मतलब होता है किसी तरह की कोई घोषणा करना, कोई आदेश देना, या जैसे पुरानी कहावतें होती हैं उसे भी बोला जाता है डिक्टम। डिक्टम इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट मेड बाय समवन हु हैज अथॉरिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एडेज, एक्सियोम, सेइंग और डिक्टेट। एंटोनिम्स रिक्वेस्ट, डिनाइल, स्टुपिडिटी और डिनाइल्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, सम ऑफ द एज ओल्ड डिक्टम्स आर फुल ऑफ विजडम। तो सभी हम सभी जानते हैं कि जो पुरानी कहावतें हैं बहुत ज़्यादा हमें ज्ञान प्रदान करती है अभी भी। अगला हमारा शब्द है ऑर्डिनेंस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है किसी तरह का कोई नियम, कानून, अध्यादेश, विधान, उसे बोला जाएगा ऑर्डिनेंस। एन ऑर्डिनेंस इज एन ऑफिशियल रूल और ऑर्डर स्पेशली फ्रॉम अ लोकल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिक्री, ऑर्डर, रेगुलेशन और स्टैट्यूट। एंटोनिम्स है डिजास्टर, एक्सीडेंट, कमोशन और हैजर्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास्ट एंड ऑर्डिनेंस। कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने एक अध्यादेश पारित किया, एक कानून उन्होंने बनाया। अगला हमारा शब्द है एट द हेल्म। एट द हेल्म यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। एट द हेल्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कंट्रोल करना, अपने हाथों पर नियंत्रण रखना, है ना, कि संगठन या व्यक्ति समूह का कोई टॉप मोस्ट व्यक्ति है, प्रमुख होना किसी संगठन या संस्था का। या हम बोल सकते हैं, देखिए मैंने इमेज आपके लिए लगाई है, हेल्म का मतलब होता है जो इसे कंट्रोल कर रहा है। देखिए जहाज, जो कैप्टन है जहाज का, कंट्रोल कर रहा है इसको पकड़कर, दैट इज कॉल्ड एट द हेल्म। मतलब किसी भी चीज को अपने नियंत्रण में करना, कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड एट द हेल्म। इन चार्ज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ पीपल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही लेफ्ट आफ्टर ओनली अ ईयर एट द हेल्म ऑफ द कॉरपोरेशन। किसी कॉरपोरेशन, किसी निगम की बात हो रही है और किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने उस निगम को लीड किया, मतलब वो उसके सुप्रीम पद पर रहा, अपनी बागडोर उसने एक साल तक रखी उस निगम की, उस कॉरपोरेशन की, और उसके बाद उसने वो निगम छोड़ दिया, कॉरपोरेशन उसने उसके बाद वो छोड़ दिया। अगला हमारा शब्द है सुपर एनिवेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सुपर एनिवेशन का मतलब होता है काम से सेवानिवृत्ति होना, रिटायरमेंट होना, उसे बोला जाता है सुपर एनिवेशन। द एक्ट ऑफ डिस्चार्जिंग समवन बिकॉज ऑफ एज, स्पेशली टू कॉज समवन टू रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन अ पेंशन, इज कॉल्ड सुपर एनिवेशन। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, पेंशन, रिटायरमेंट, अलाउंस और एनविटी। एंटोनिम्स है यूथ, एडोलेसेंस, लॉस और पेनलाइज। एग्जाम्पल देख लीजिए, डिड यू रिसीव अ सुपर एनिवेशन पे आउट। किसी से पूछा जा रहा है कि तुम्हें जो सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायर होने के बाद जो पैसा मिलता है वो तुम्हें क्या मिल चुका है। अगला हमारा शब्द है बीहोल्डन। यहाँ पे जक्ति की तरह यूज हुआ है। बीहोल्डन का मतलब होता है किसी ने हमारे लिए कोई काम किया है तो उसके आभार जताना, उसका एहसानमंद होना, उसके प्रति कृतज्ञता जाहिर करना, उसे बोला जाता है बीहोल्डन। इफ यू आर बीहोल्डन टू समवन, यू आर इन डेट टू देम इन सम वे, और यू फील दैट यू हैव अ ड्यूटी टू
them because they have helped you. That is called beholden. Synonyms आप दे सकते हैं indebted, grateful, obliged, obligated और thankful. Obligated है ये. Antonyms है इसके ungrateful, unappreciative, careless और thankless. Example देख लीजिए, we feel really beholden to them for what they have done. कि हमें उनका आभारी आभार जताना चाहिए, कृतज्ञता जाहिर करनी चाहिए कि किसी के प्रति बात हो रही है कि जो उन्होंने हमारे लिए किया उसके उसके लिए हमें उनकी आभारी होना चाहिए, कृतज्ञ एहसानमंद होना चाहिए. अगला हमारा शब्द है अबाइड बाय. यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है. अबाइड बाय का मतलब होता है किसी तरह के कोई रूल्स और रेगुलेशंस हैं तो उनको ओबे करना, उनका पालन करना. दैट इज कॉल्ड अबाइड बाय. इफ यू अबाइड बाय अ लॉ एग्रीमेंट और डिसीजन यू डू व्हाट इट सेज यू शुड डू. दैट इज कॉल्ड अबाइड बाय. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिस्पेक्ट, कंप्लाई विद, एडहेयर टू और फॉलो. एंटोनिम्स है इसके एडमिनिस्टर, कमांड, कंडक्ट और डोमिनेट. एग्जाम्पल देख लीजिए, वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम. कि हमें किसी तरह के गेम खेल की बात हो रही है कि जो उसके खेल के सारे जो नियम है उसका हमें बिल्कुल से पालन करना होगा, अवश्य पालन उसका करना चाहिए. अगला हमारा शब्द डाइल्यूट. यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. डाइल्यूट का मतलब होता है किसी में कोई चीज़ मिलाकर उसकी क्वालिटी जो है डिक्रीज कर देना या किसी को कमजोर करना, अशक्त करना, उसे बोला जाएगा डाइल्यूट. इफ समवन और समथिंग डाइल्यूट्स अ बिलीफ, क्वालिटी और वैल्यू, दे मेक इट वीकर एंड लेस इफेक्टिव. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं वीकर, रिड्यूस, अडल्ट्रेट और वीक. एंटोनिम्स है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथन, स्ट्रेट और इंस्पायर. एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर वाज अ क्लियर इंटेंशन टू डाइल्यूट अ ब्लैक वोटिंग पावर. तो ये ब्लैक वोटिंग पावर उनकी शक्ति की बात हो रही है कि उनको वो किसी तरह की इंटेंशन है उसके उनके वोट को प्रभावित करने की, उनके वोट शेयर को कमजोर बनाने की. अगला हमारा एडिटोरियल है, आप हेडिंग देख सकते हैं. दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है रिटरेशन. दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग भी आप देख लीजिए, अ रिटर्न टू फॉर्म ऑन ऑस्ट्रेलियाज T20 वर्ल्ड कप विन. तो ये जीके का भी क्वेश्चन बन जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, तो उसके बारे में दिया गया. सेकंड एडिटोरियल स्पोर्ट्स मोटिवेटेड है. पहला वर्ड है रिटरेशन. यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. रिटरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बार बार दोहराना, पुनरावृत्ति होना किसी चीज़ की, बार बार रिपीटेशन होना. दैट इज कॉल्ड रिटरेशन. द एक्ट ऑफ रिपीटिंग ओवर एंड अगेन or instance thereof, that is called reiteration. Synonyms आप देख सकते हैं repetition, iteration, replication or repeat. Antonyms are dearth, deficiency, deficit or failure. Example देख लीजिए, do you have to reiterate everything you say? कि जब तुमने जो अभी तुमने सारी चीज़ें कही है क्या तुम उसे रिपीट करोगे, क्या तुम उसे दोहराओगे, किसी से क्वेश्चन किया जा रहा है. अगला हमारा शब्द है प्रोग्रेस. प्रोग्रेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. प्रोग्रेस का मतलब होता है अब हमारे अंदर कोई कौशल है किसी काम को करने का, वीरता दिखाना, अपनी शूरता दिखाना, स्किलफुलनेस दिखाना, करेज दिखाना, मास्टरी, एबिलिटी, उसे बुलाता है प्रोग्रेस. समवंस प्रोग्रेस इज देयर ग्रेट स्किल एट डूइंग समथिंग. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्किल, करेज, मास्टरी, एबिलिटी. एंटोनिम्स है कावर्डाइस, वीकनेस, इंपोर्टेंस और इनएबिलिटी. एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज ऑलवेज ब्रैगिंग अबाउट हिज प्रोग्रेस एज अ हंटर. तो किसी की बात हो रही है कि शिकारी मतलब अपने शिकार के बारे में कि मैं बहुत बड़ा शिकारी हूँ, इस तरह से वो डींगे हाँकता रहता है, मतलब बड़ा शूरवीर मैं शिकारी हूँ. तो ब्रैगिंग का मतलब देखिए, मैंने हाईलाइट भी किया है, ब्रैगिंग का मतलब होता है बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, मतलब जो चीज़ नहीं है तो बड़ी बड़ी बातें करना. तो इस तरह से किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि मैं बहुत अच्छा शिकारी हूँ, व्यक्ति बोल रहा है कि किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि वो हमेशा बोलता रहता है कि मैं बहुत ही वीर शूरता अपनी डींगे हाँकता रहता है कि मैं इस तरह से जो है वो शिकार करता हूँ, इस तरह से बड़ी बड़ी बातें वो करता रहता है. आई होप आपको वर्ड समझ में आया होगा अच्छी तरह से. ब्रैगिंग नोट कर लीजिएगा, ब्रैगिंग का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना, डिंगे हाँकना. अगला हमारा शब्द है ओवरवेलमिंग. यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. ओवरवेलमिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, किसी भी चीज़ का तीव्र मात्रा में, तीव्र इंटेंसिटी में, तीव्र भावना, जोरदार, सशक्त रूप से, उसे बोला जाता है ओवरवेलमिंग. एक्सट्रीमली ग्रेट और स्ट्रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड ओवरवेलमिंग. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सरप्राइजिंग, एस्टॉनिशिंग, स्टैगरिंग और ओवरपावरिंग. एंटोनिम्स है माइल्ड, नॉर्मल, कंफर्टिंग और एम्पलीफाइंग. एग्जांपल देख लीजिए, अनु हैड एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू रिटर्न होम. अनु की बात हो रही है कि उसकी जो वापस घर आने की जो मतलब डिजायर है, इच्छा है, बहुत ज़्यादा प्रबल है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा उसे इच्छा हो रही है वापस अपने घर आने की. अगला हमारा शब्द है वेंट. यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. वेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का घटना, घटती हुई कोई चीज़, क्षय होती हुई कोई चीज़, दैट इज कॉल्ड वेंट. इफ समथिंग वेंट्स इट बिकम्स ग्रेजुअली वीकर और लेस
often so that it eventually disappears. That is called waned. Synonyms आप देख सकते हैं fading, decline, moribund or diminishing. Antonyms है waxing, expanding, successful or increasing. Example देख लीजिए, my enthusiasm was waning rapidly. जो मेरा enthusiasm था वो तेजी से जो है उसमें कमी आ रही थी, तेजी से मेरा enthusiasm जो है वो घट रहा था. अगला हमारा शब्द है solid. Solid यहाँ पे verb की तरह यूज हुआ. Solid का मतलब होता है किसी भी चीज को गंदा करना, दूषित करना या अशुद्ध बना देना. That is called solid. If something is solid by something else, it damaged so that it is no longer pure or of such high value. That is called solid. Synonyms आप देख सकते हैं tainted, dirty, stained or solid, soiled. Antonyms है आपके unsolid, clean, neat or virgin. Example देख लीजिए, she claimed they were selling her good name. किसी ने ये आरोप लगाया, किसी लेडी की बात हो रही है, उसने क्लेम किया कि कोई जो है उसे बुरी तरह से क्या कर रहा है, अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, उसे उसका नेम जो है खराब, उसका नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है. अगला हमारा शब्द है पेनाकल. यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ. पेनाकल का मतलब होता है टॉप मोस्ट पॉइंट पर होना, किसी चीज के अंतिम बिंदु पर होना, शिखर पर होना, चोटी पर होना, अपने अंतिम पराकाष्ठा पर होना, उसे बोला जाता है पेनाकल. द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट और हम बोल सकते हैं द कल्मिनेशन. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं पेनाकल के पीक, एक्मे, समिट, हाइट और अपेक्स. एंटोनिम्स है बेस, बॉटम, नाडेड और फुट. एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हैड रीच्ड द पेनाकल ऑफ हिज करियर, कि वो अपने करियर के बहुत उच्चतम बिंदु पर है, पराकाष्ठा पर है इस समय. किसी की बात हो रही है कि वो इस समय अपने जो करियर है उसका वो टॉप मोस्ट उसके चरम बिंदु पर है, पराकाष्ठा पर है. अगला हमारा शब्द है हुत्स्पा. एच से शुरू करेंगे, सी से नहीं शुरू करेंगे, हुत्स्पा. हुत्स्पा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. हुत्स्पा का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए दुस्साहस करना, गुस्ताखी करना, उसे बोला जाएगा हुत्स्पा. या साहस दिखाना, करेज अपना दिखाना, मतलब दूसरों को गुस्ताखी लगे तो साहस करना, इस तरह से दैट इज कॉल्ड हुत्स्पा. इफ यू से दैट समवन हैज हुत्स्पा, यू मीन दैट यू एडमायर द फैक्ट दैट दे आर नॉट अफ्रेड और एम्बैरेस्ड टू डू और से थिंग्स दैट शॉक, सरप्राइज और अनॉय अदर पीपल. दैट इज कॉल्ड हुत्स्पा. हुत्स्पा के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इम्प्यूडेंस, बोल्डनेस, एरोगेंस और इंसोलेंस. एंटोनिम्स है टिमिडिटी, हम्बलनेस, डिफिडेंस और मॉडेस्टी. एग्जाम्पल देख लीजिए, आइंस्टाइन का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है. आइंस्टाइन हैड द हुत्स्पा टू डिस्कार्ड लॉन्ग एस्टेब्लिश थ्योरी, कि आइंस्टाइन जो थे उन्होंने ये दुस्साहस किया, गुस्ताखी की, जो लंबे समय से चली आ रही कोई थ्योरी थी उसको नकारने की, उसको डिस्कार्ड करने का उन्होंने साहस दिखाया, गुस्ताखी की, दुस्साहस किया. अगला हमारा शब्द है हमडिंगर. हमडिंगर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. हमडिंगर का मतलब होता है मतलब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति या हम किसी वस्तु की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हमडिंगर. A remarkable or outstanding person or thing of its kind is called humdinger. Humdinger के synonyms देख लीजिए, knockout, dream, wonder or ace. Antonyms है foul, horrible, inferior or poor. Example देख लीजिए, a humdinger of a funny story. तो किसी funny story की बात हो रही है कि उसमें किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो humdinger of a funny story. Funny story का एक humdinger. अगला हमारा शब्द है maverick. Maverick यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ. Maverick का मतलब होता है स्वतंत्र व्यक्ति, स्वतंत्र अपने तरीके से सोचने वाला व्यक्ति, उसे बुलाता है मैवरिक. इफ यू डिस्क्राइब समवन एज अ मैवरिक, यू मीन दैट दे आर अनकन्वेंशनल एंड इंडिपेंडेंट एंड डू नॉट थिंक और बिहेव इन अ सेम वे एज अदर पीपल. दैट इज कॉल्ड मैवरिक. मैवरिक के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रेबल, इंडिविजुअलिस्ट, डिसिडेंट, ओरिजिनल. एंटोनिम्स है कन्फॉर्मिस्ट, टीम, नॉर्मी और परफेक्शनिस्ट. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही वॉज टू मच ऑफ अ मैवरिक एवर टू होल्ड हाई ऑफिस, कि हाई ऑफिस को होल्ड करने के लिए वो बहुत ही स्वतंत्र रूप से हमेशा सोचने वाला वो व्यक्ति रहा है अपने हाई पोजीशन पर पहुंचने के लिए. अगला हमारा शब्द है जिंक्स्ड. जिंक्स्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ. जिंक्स्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि कर्स लेके आया, बहुत दुर्भाग्य, कोई दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज, अभिशाप, दुर्भाग्य, अशुभ व्यक्ति या वस्तु, उसे बोला जाता है जिंक्स्ड. इफ समथिंग इज जिंक्स्ड, इट सीम्स दैट इट इज unlucky or that it cannot possibly succeed, that is called jinxed. Synonyms आप देख सकते हैं unlucky, unfortunate, doomed or unhappy. Antonyms है affluent, favorable, lucky or golden. Example देख लीजिए, after my third accident in a month, I begin to think I was jinxed. कि तीसरा लगातार एक महीने में तीन एक्सीडेंट होने के बाद
मैं ये सोचने लग गया था कि मैं अशुभ हूँ, मैं क्या हूँ, एक अभिशाप हूँ अपने लिए, मैं एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति हूँ, मैं ये सोचने लग गया था जब मेरे मतलब एक ही महीने में 3 लगातार एक्सीडेंट हुए, दुर्घटना हुई। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फटीग, और ये आज के हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। फटीग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फटीग का मतलब होता है किसी तरह की थकावन होना, मेंटली या फिजिकली बहुत ज्यादा थकना, टायर्डनेस, दैट इज कॉल्ड फटीग। फटीग इज अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, टायर, एग्जॉस्ट, वियर, एनर्वेट। एंटोनिम्स एनर्जाइज, रिफ्रेश, एलर्टिटी और इंटरेस्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम मेंटल एंड फिजिकल फटीग। किसी की बात हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है मानसिक, और उसे बहुत ज़्यादा शारीरिक तौर पर थकान महसूस वो कर रहा है। तो ये वर्ड आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। प्लीज़ वीडियो पूरा देखा कीजिए, अभी तक आप बने हैं मेरे साथ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक बड़े कम होते हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरी वीडियो को थोड़ा सा रीच मिल जाएगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तभी मेरी वीडियो को थोड़ा सा रीच मिल पाएगा। व्यूज़ बड़े कम है वैसे भी मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी थोड़ी सी मेहनत आपको फ्रूटफुल लगी कि मैंने आपके लिए कुछ कुछ प्रोडक्टिव चीज़ की है, कुछ फ्रूटफुल आपको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज कोई दी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पूरा देखा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।